गुड मॉर्निंग स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पॉलीमर्स क्लास ट्वेल्थ लास्ट चैप्टर है हमारा तो टर्म पॉलीमर जो ड्राइव हुई थी ग्रीक वर्ड पॉली से जिसका मतलब है मैनी बहुत सारे मर मीन्स मर का मतलब है यूनिट जिसमें बहुत सारे यूनिट आपस में जुड़ जुड़ गए हों दिस ए वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग अ मास इसका बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है इसका मोलिकूलर मास काफी बड़ा होता है इसलिए हम इसको माइक्रो मोलिक्यूल्स बोलते हैं पॉलीमर और माइक्रो मालिक्यूल्स होते हैं हाई मोलिकुलर मास के होते हैं हर एक मॉलिक्यूल जो होता है इसमें क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ सिंपल रिपीटिंग स्ट्रक्चर मतलब एक यूनिट होती है जो बार बार रिपीट होती है जैसे प्रोटीन अमाइनो एसिड का बना है वो बार बार उसमें अमाइनो एसिड रिपीट होते हैं वैसे इसमें भी रिपीटिंग यूनिट होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं द सिंपल रिएक्टिव मॉक्यूल्स फ्राम विज आर रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट आर ड्राइव अब जो ये सिंपल यूनिट होते हैं उसको बोलते हैं मोनोमर मोनोमर जो होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलीमर में और फिर पॉलीमराइजेशन हो जाती है पॉलीमर और माइक्रो मोलिक्यूल्स क्या है द टर्म पॉलीमर ए ऑफन यूज विदाउट एन डिस्टिंक्शन मतलब इनको अलग नहीं करते बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अ पॉलीमर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड टू थाउजेंड और रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट बट ए माइक्रोमालिक्यूल मे और मे नॉट कंटे रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट अब पॉलीमर में क्या होता है एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है मगर माइक्रो मोलिक्यूल में हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक ही रिपीटिंग एक ही रिपीटिंग यूनिट हो फॉर एक्जाम्पल जैसे प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड है शुड बी रिकार्डेड एज माइक्रो मोलॉलिक्यूल्स वो माइक्रो मोलिक्यूल्स हैं वो पॉलीमर पॉलीमर नहीं है क्योंकि सेम स्ट्रक्चर यूनिट नहीं है उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं पॉलीथीन को हम बोल सकते हैं ये है क्योंकि इसमें ये पॉलीमर है और इसमें क्या है सेम रिपीटिंग यूनिट है तो हम बोल सकते हैं कि जितने पॉलीमर हैं वो माइक्रो मोलिक्यूल्स हैं मगर जितने भी माइक्रो मोलिक्यूल्स हैं वो पॉलीमर नहीं है और तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड और माइक्रोमोलिक्यूल्स प्रोटीन न्यूक्लिय एसिड भी माइक्रो मोलिक्यूल्स है इनको हम पॉलीमर uh, बोल सकते हैं दिस इज ड्यू टू रीजन दैट प्रोटीन जो है वो सेम रिपीटिंग यूनिट का बना है अमाइनो एसिड का सिमिलर न्यूक् एसिड जो है वह uh, बना हुआ है लार्ज नंबर ऑफ इसका न्यूक्टाइड्स का जो बिल्कुल सेम बार बार आती है अब आता है होमो पॉलीमर एंड को पॉलीमर अगर सेम रिपीटिंग यूनिट हो उसे बोलते हैं को होमो पॉलीमर पॉलीमर हु रिपीटिंग स्ट्रक्चर यून ट ड्राइव फॉर ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर अगर उसमें सिर्फ एक ही मोनोमर हो पॉलीमर में उसे बोलेंगे होमोपोलीमर जैसे पोलीथीन जिसका ही, हाँ, जिसका इथिन होता है पॉलीमर इज ऑप्टेंड बाई पॉलीमेशन ऑफ इथीन ये इथीन है इसको हम बार बार इसको इथिन को जोड़ेंगे तो पॉलीथीन बन जाएगा जो एक पॉलीमर है अदर एग्जाम्पल जो हैं पोलीप्रोपिन पॉलीबिन क्लोराइड पोली आइसोप्रोपिन न्योप्रीन एक्राइल नाइट्राइल अब है को पोलीमर पॉलीमर जिसकी रिपीटिंग स्ट्रक्चर जो होती हैं दो टू और मोर मोनोमर से जुड़ के बनती हैं उसे बोलते हैं को पोलीमर मगर रिपीट repeat वही होती हैं मगर उसमें दो या तीन मोनोमर होते हैं जैसे टेफलॉन नाइलन सिक्स सिक्स जिसमें क्या रिपीटिंग यूनिट है uh, दो रिपीटिंग यूनिट है इसमें मिथाइल, मिथाइलिन डायान एंड एडिपिक एसिड जैसे ये लिया हुआ मिथाइलिन डायामीन dia, ये पूरा यहाँ तक ये है एडिपिक एसिड तो यहाँ वाटर का लॉस होगा और ये आपस में जुट जाएंगे अदर एग्जाम्पल जो है बूना एस बूना एंड पोलिस्टर अल्का बेकलाइट मेलानिन फॉर्मल डिहाइट पॉलिमर ये सारे को पॉलीमर है अब यह क्लासीफिकेशन ऑफ पॉलीमर क्लासिफिकेशन अलग अलग बेस पेस की गई है सोर्स कहाँ से है स्ट्रक्चर क्या है पॉलीमराइजेशन की मोड क्या है मॉलिकुलर मास मोलिकुलर फोर, फोर्सेस कौन सी हैं मैकेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व है ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन के लिए तो स्ट्रक्चर सोर्स पे आता है नेचुरल पॉलीमर होते, है, होते हैं सेमी सिंथेटिक होते हैं सिंथेटिक होते हैं अब नेचुरल पॉलीमर क्या है पॉलीमर विच आर फाउंड इन नेचर पॉलीमर जो नेचर में पाए जाते हैं एनिमल और प्लांट्स से उसे बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर जैसे प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में है न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में है सेलोज जो हमें प्लांट से मिलता है जो खाना क्लोथिंग और शेल्टर में काम आता है रबर जो है वो भी हमें प्लांट से मिलता है ये सब नेचुरल पॉलीमर सेमी सिंथेटिक हुए है आर मोस्टली ड्राइव फ्रॉम नेचुरल वर्किंग पॉलीमर बाय केमिकल मॉडिफिकेशन या हम नेचुरल जो नेचुरली नेचुरल पॉलीमर होते हैं उनको मॉडिफाई करते हैं फिर वो बनते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जिससे सेलोज को हम एसिटाइलेशन करेंगे एसिटिक एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो ये देगा सेलोस डाई जो यूज होता है थ्रेड्स बनाने के लिए एसिटेट रि के और अदर मटेरियल बनाने के लिए तो वल्कनाइज रबर जो है वो विच इज़ सुपीरियर टू नेचुरल रबर वल्कनाइज रबर जो ज़्यादा अच्छा है नेचुरल रबर से जो टायर बनाने के लिए गन कॉटन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है वो भी क्या है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नेक्स्ट है सिंथेटिक पॉलीमर अ लार्ज नंबर ऑफ मैन मेड पॉलीमर एक्सचेंज लाइफ मतलब ऐसे पॉलीमर जो हम खुद बनाए जाते हैं जो नेचुरल चीजों से नहीं बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर इसमें नायलन पॉलिस्टर पॉलीथीन पॉलीप्रोपीन और नियोप्रीन नियो, और पॉलिस्टायरिन आएगा अब स्ट्रक्चर के बेस में पहला है लीनियर पॉलीमर तो लीनियर पॉलीमर जो हो के, सिंपल जो होंगे एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े होंगे उन्हें बोलेंगे लीनियर ब्रांच हो गए जिनमें ब्रांच बन जाएंगी ऊपर नीचे और आपस में कंबाइन करेंगे और फिर हो गया तीसरा हो गया क्रॉस लिंक्ड और थ्री डायमेंशन नेटवर्क जो होगा हर, हर जगह से क्या होगी ब्रांच होगी आपस में जुड़े होंगे तो लीनियर पॉलीमर जो होंगे एक स्टेज चेन की तरह आपस में जुड़े होंगे एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे क्लोज पैकिंग होगी पॉलीमर चेन की हाई मेल्टिंग हाई डेंसिटी होगी हाई टेंटाइल होगा स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसकी है पॉलीथीन पॉलीविनाइल क्लोराइड नाइलन पॉलिस्टर ब्रांच जो होगी जिसमें ब्रांच होगी जो यूनिट आपस में कंबाइन करेंगे मगेगा इसमें ब्रांच होगी इसमें पैकिंग अच्छी नहीं होगी क्योंकि इसमें ब्रांच है एज एज ब्रांच चेन पॉलीमर हैव लो मेल्टिंग पॉइंट होगा इनका डेंसिटी भी कम मतलब स्ट्रेंथ भी कम होगी लीनियर पॉलीमर से एग्जाम्पल इसकी हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन एमाइलो एंड ग्लाइकोजन अब क्रॉस लिंक और थ्री डायमेंशनल पॉलीमर जो होंगे तो ये थ्री डायमेंशनल आपस में जुड़े होंगे क्रॉस लिंक करके बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रॉस लिंक दिस पॉलीमर कार क्रॉस लिंक पॉलीमर क्रॉस लिंक होने की वजह से बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर ये हार्ड होंगे रिजिड होंगे ब्रिटल इजिली टूट जाएंगे एग्जाम्पल जो है इसकी बेकलाइट यूरिया फॉर्मलिटी हेड पॉलिमर मैलामाइन फॉर्मल्टी हेड पॉलीमर एक्सेट्रा होंगी नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बोस ऑफ बेस्ड ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन तो इसमें दो तरीके की पॉलीमराइजेशन एडिशन कंडेंसेशन एडिशन में क्या होगा एडिशन पॉलीमर आर फॉर्म रिपीटेड एडिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोमर प्रोसेस इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो यहां पे क्या होंगे सेम रिपीटिंग यूनिट आपस में जुड़ेंगी जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगी एंड द प्रोसेस बाई विच एडिशन पॉलीमर आर फॉर्म्ड तो इसलिए आपस में जुड़ेंगे तो बन जाएगा पॉलीमर इसे बोलेंगे एडिशन आपस में जुड़ेंगे मोनोमर यूनिट और बन जाएगी एडिशन पॉलीमर तो एडिशन पॉलीमर कैन बी आदर एडिशन होमो पॉलीमर एडिशन को पॉलीमर वो सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं रिपीटिंग यूनिट तो एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है ऑन द अदर हैंड एडिशन पॉलीमर फॉर्म पर रिपीट एडिशन ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट अगर अलग अलग मोनोमर यूनिट हो तब बने तो जैसे बुना एस है तो ये वन थ्री बुटा नाइन और स्टैरिन का बना हुआ है आपस में जुड़ेंगे सी एच टू सी एच तो ये बॉन यहाँ सी एच आपस में जुड़ेंगे सी एच टू सी एच सी सिक्स एच फाइव अदर एग्जाम्पल यहां दी हुई हैं सैरन बुना एन बुटाइल रबर नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमर तो यहाँ पे क्या होगा कंडेंसेशन पॉलीमर जो बनते हैं रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू बाई फंक्शन और ट्राई फंक्शनल मोनोमर यूनिट मतलब जो जिनमें फंक्शनल यूनिट होगी वो आपस में जुड़ेंगे जिसमें अलग अलग होंगे जैसे अकोल एमोनिया फिर उसमें साथ में क्या होगा साथ में लॉस भी होगा वाटर या अल्कोहल का या अमोनिया का या कार्बन डाइऑक्साइड का या हाइड्रोजो क्लोराइड का जब वो आपस में जुड़ेंगे तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर तो यहाँ पे हैगजामेथाइलिन डाम और एडिपिक एसिड हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा एनएच ये वहां साथ में जुड़ेगा एन एच सी एच टू सिक्स एन एच यहां से एक हाइड्रोजन लॉस होगा फिर यहां से जुड़ेगा एन एच हो गया यहाँ पे सी डबल बॉन्ड यहाँ पे ओ OH एच गया तो यहाँ से वाटर पूरा निकल गया सी ओ सी एच टू फोर सी ओ एच तो यहाँ से ओ OH एच और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा वाटर लॉस होगा तो इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर तो इसकी पॉल एग्जाम्पल है ना आईलैन सिक्स सिक्स और भी एग्जाम्पल्स यहाँ दी हुई हैं अब है नेक्स्ट मोलिकुलर मासिस इसके मोलिकी फोर्सेस के बीच में तो पहला है यहाँ पे इलास्टोमर्स पॉलीमर इन द इंट्रमोलिकल फोर्स ऑफ बिटवीन द पॉलीमर चेन आर द वीकेस्ट जिसमें सबसे ज्यादा वीकेस्ट होती है फोर्स उसको बोलते हैं इलास्टोमर्स इलास्टोमर्स जो होते हैं फर्स्ट पॉलीमर होते हैं मतलब पाउडर टाइप दट हैव हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी मतलब एक, एकदम स्ट्रेच हो जाते हैं दे हैव द एबिलिटी टू स्ट्रेच ओवर टेन टाइम्स देयर नॉर्मल लेंथ टेन टाइम्स अपनी नॉर्मल लेंथ से ये स्ट्रेच हो सकते हैं और अपनी पोजिशन में वापस आ सकते हैं दिस पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ रेंडमलीइल्ड मॉलिकुलर चेन ऑफ इरेगुलर शेप हैविंग अ फ्यू क्रॉसलिंग तो ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा तो यहां पर फोर्स अपलाई जब फोर्स अप्लाई करेंगे दिस रैडमली पॉलीमर इज स्ट्रेच मतलब कि एकदम स्ट्रेच हो जाएगा और सिंस द वंडरवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिट इन द पॉलीमर चेन टू फ्यू एंड टू वीक इसमें वंडरवर फोर्सेज काफी वीक हैं दे फोर एज सोन एजर्स विद्रॉ जैसे फोर्स वापस करेंगे तो यह अपनी पोजिशन पर चल जाएगा अगर एस वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन परमिट द पॉलीमर चेन टू स्ट्रैच तो वंडरवाल फोर्स की वजह से ये स्ट्रैच हो पाता है नेक्स्ट है फाइबर्स पॉलीमर जिसमें इंटरमोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है स्ट्रॉगेस्ट है तो उसे बोलते हैं फाइबर दिस फोर्सेस किसकी वजह से होती है हाइड्रोजन बॉन्ड और डायपल डाइपल इंट्रेक्शन की वजह से जैसे नाइलन में इंटरमोल की फोर्स जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और पॉली में और पॉली एक्ट्राइल में मे भी यही होती है दे आर ड्यू टू पावरफुल डायपोडाइपल एट्रैक्शन बिटवीन द पोलर कार्बोनाइल एंड बिटवीन कार्बोनाइल सियानो ग्रुप रिस्पेक्टिव इनमें क्या होती है डायपोल डायपोडाइपल मूवमेंट अट्रैक्शन होती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसकी हाई टेंसिटी स्ट्रेंथ है लीस्ट इलास्टिसिटी है मतलब इसको आप ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते इसके पॉलीमर जो होंगे लंबे होंगे थीन होंगे थ्रेड लाइक -like होंगे इसलिए हम इसको ईजिली पैक कर सकते हैं इनकी हाई मेल्टिंग और लो सॉलिबिलिटी है नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक तो पॉलीमर जिसमें मिनटोमोल की फोर्स ऑफ जो होगी बीच में होगी इस इलास्टोमार्क और फाइबर के बीच में उसे बोलेंगे थर्मो प्लास्टिक और ये ये हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर में बिकम सॉफ्ट एंड विस्कस ऑन हीटिंग जैसे हीट करोगे सॉफ्ट हो जाएंगे हीट करते ही और फिर से ही, जैसे ठंडे होंगे वैसे ही क्या हो जाएंगे हार्ड हो जाएंगे इसमें एग्जाम्पल है नाइनइन सिक्स नाइनइन सिक्स सिक्स सिक, तो नेक्स्ट है थर्मो सेटिंग पॉलीमर आर द सेमी फ्लूड सब्सटांस सेमी फ्लूड सब्स्टांस है मतलब थोड़े गाढ़े गाढ़े से विद लो मोलिकर मास है विच वैन हीटेड इन ए मोल्ड जो परमानेंट चेंज इन केमिकल कंपोजन की हार्ड अगर हम इसको हीट करें तो एकदम क्या हो जाते हैं हार्ड हो जाते हैं इन फ्यूजिबल और इनसॉलिबल मास बन जाते हैं द हार्डनिंग और हीटिंग हार्डनिंग हीटिंग इज ड्यू टू एक्सेंसिव क्रॉस लिंकिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलीमर इनकी जो स्ट्रक्चर है वो काफी क्रॉस क्रॉसलिंग है इसलिए वो क्या हो जाते हैं हार्ड हो जाते हैं थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक पॉलीमर जो है कैन बी मेल्टिड टाइम एंड टाइम अगेन विदाउट एनी चेंज मतलब खुद मेल्ट हो सकते हैं टाइम के साथ वायले थर्मोसेटिक पॉलीमर जो होते हैं कैन बी हीटेड ओनली ओनली वंस विद एन इट अंडर गो परमानेंट चेंज अगर इसको हम हीट करें तो एक बार इसको चेंज कर सकते हैं इसके परमानेंट स्ट्रक्चर में जो वापस हम नहीं बना सकते इसके एग्जाम्पल हैं है, फिनोल फॉर्मेल जिसे बेकलाइट बोलते हैं यूरिया फॉर्मेल डिहाइड